Let me complete, please. 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 Go ahead. Go ahead. Go ahead. Thank you. So, हिप-हॉप गाने को कमर्शियल बनाने की बात हुई, उसके बाद उसमें 2 साल लगे, ठीक है? और मुझे तो 2 साल की मेहनत नहीं दिखी, मैं सही बोलूं, अगर आप गाने की बात कर रहे हो। गाने में मेरा ही वर्स सबसे आखिर में, वो भी मैं बताता हूँ क्यों, मैं बताता हूँ क्यों, ये क्यों कंपेयर करना सही नहीं है, मैं बताता हूँ। देसी पॉप था एक रैप नंबर जिसमें सारे रैपर्स हैं, उसमें कोई कमर्शियल एलिमेंट नहीं था। गाना मेजपा जी का था, ठीक है, गाना मेजपा जी का था, तो उसमें आपका कोई से नहीं बनता पहली बात। और अगर आपकी जगह मैं भी होता वहां पे तो मैं भी लास्ट वर्स रखता, क्योंकि अटेंशन अच्छी मिलती है। तो सो मैं ये नहीं बोलता कि उसमें मेरा ऐसा था तो ऐसा हो। आप और मैं बहुत अलग जिंदगी से आते हैं, अलग टाइम फ्रेम से आते हैं, राइट? सो आपके एक्सपीरियंसेस और मेरे एक्सपीरियंसेस सही नहीं होंगे, मतलब सेम नहीं होंगे कभी भी। हमारी कहीं ना कहीं सोच मिल सकती है, जिसकी वजह से मैं भाई मानता था, बहुत सारी चीजें करता था, बट सामने से मुझे भी जब वो चीजें नहीं मिली जो मैं दे रहा था, मेरी क्या गलती इस चीज में कि सामने से मेरे साथ फेयर चीजें नहीं हो रही है सर? और वो भी आपके ही वजह से, आपके आसपास के लोगों की वजह से, जो भी सारी चीजें हैं, ठीक है? अब आते हैं डैब वाली बात पे आगे, कि मुझे कहां से क्या चीजें गलत लगी। सबसे पहले, पहले मैं पहले वाला पार्ट कंप्लीट करूंगा, पहले वाले पार्ट का मैं जवाब दे देता हूँ, उसके बाद तू अगले पे चलिए, और ऐसे चलते रहेंगे, वरना ना हम एक दूसरे को क्रॉस करते रहेंगे, ताकि सवाल ना हो। ठीक है, तू पूरा कंप्लीट कर ले। हाँ जी, हाँ, मैं पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ, मैं पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ। फिर मैनपारी का मैसेज आता है मेरे पास, इस पे मेरे पोस्ट पे, जहाँ पे मैंने डैब के लिए पोस्ट डाली थी, कि आई रियली अप्रिशिएट कि मेरा एक गाना जो मैंने मुंबई में बनाया था, ठीक है, बैठ के, और वो गाना इतना अच्छा रीच आउट कर रहा है कि इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट, सोनू कक्कड़, रफ्तार म्यूजिक, ये लोग मेरे गाने में हैं। तो मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था वो। इट वॉज समहाउ कुछ लोगों के लिए मे बी डेब्यू, क्योंकि हर दिन जब भी आर्टिस्ट का गाना आता है, कुछ लोग नए होते हैं तो उनको नया ही लगता है आर्टिस्ट, राइट? तो मेरे लिए भी डेब्यू था, तो मेरी भी फीलिंग्स थी यार उसके साथ। ठीक, इसके लिए कभी सामने से नहीं पूछा गया कि मुफ़ड़ तुझे, मतलब कैसे बताऊंगा मैं, शायद मैंने मांगा नहीं, पूछा तो क्या, मैंने मांगा नहीं कुछ, ना मैंने पैसे मांगे, ना कुछ नहीं मांगा मैंने, मैंने सब तुम पे छोड़ दिया। तुमने मुझे फोन किया मैन म्यूजिक के कमेंट के बाद, मैन म्यूजिक वॉज सेइंग ऑन माई कमेंट के, शेरा आई नेवर न्यू दिस सॉन्ग वॉज योर्स। मैन म्यूजिक इज द वन जो सबसे ज्यादा क्लोज है तुम्हारे, उनको ही नहीं पता कि मेरा गाना है, तो कहां से ये बात फेयर जा रही है, मुझे पहली तो चीज ये बता दो। ओके, तो पहले कंप्लीट कर ले सारा, फिर ही बोलूंगा मैं। ठीक है, एक बात हो गया, डैब डैब का पूरा मुद्दा कंप्लीट हो गया, या और कुछ है तो बोल दे भाई। नहीं नहीं, बोल रहा हूँ, इतना लो। हाँ जी, अब गाने की बात करते हैं कि गाने में जो वर्सेस थे या जो भी एक स्ट्रक्चर था, पैटर्न था गाने का, वो क्या था? ठीक है, गाने का पैटर्न ये है कि भाई, जब मैं बोल रहा हूँ तो प्लीज आप सुनना, मिस ना हो कोई भी बात। हाँ, सॉरी सर, सॉरी, मैं तेरी बात सुन रहा हूँ, मैं पीछे डैब खोल रहा हूँ, चलाऊ, ठीक है? नहीं, चला नहीं रहा, मैं चलाऊंगा क्यों यार, सुन लिया जिसने सुनना था, पर तू बोल अपनी बात, मैं सिर्फ खोल रहा हूँ अपनी एक रेफरेंस के लिए। ओके ओके, मुझे लगा शायद वैसे उसके, ठीक है। तो वर्स की बात करते हैं, वर्स मेरा कम से कम 4 बार चेंज हुआ है। मैं राज जोन्स के इंटरव्यू में भी बोल दिया, बहुत जगह बोल दिया, लोगों को ये बात बड़ी नहीं लग रही कि मेरे वर्स चेंज हुआ है, या फिर कि मेरे को लगता है कि मेरे साथ अनफेयर हुआ है, क्योंकि बहुत लोग आर्टिस्ट नहीं है, वो मेरी जिंदगी से नहीं है, तो जो चीजें उनको छोटी लगती है, मेरे लिए छोटी नहीं है। मैं बहुत एथिक्स के साथ चलता हूँ, और अपनों के साथ तो खासकर। तो उसमें एक पार्ट था कि फुका था फुकरो की फकर से फुर्सतों के फेर में, फिर फट से उड़ता फुर्ती में, फर्राटा फर्स्ट गेयर में, ये पार्ट था, ये मेरे वर्स का यूएसपी था। यू सेड ऑन व्हाट्सएप दैट आई एम इनसिक्योर, यू टुक माय पार्ट। किसको? तुझको? डू यू रियलाइज इट? आपको रियलाइज होती है बात? मैंने तुझको बोला कि यू आर इनसिक्योर? हाँ, व्हाट्सएप पे दिखाऊं? अभी दिखाऊं? खोल के खोल ले, मैं भी सारा पीछे खोल के बैठा हूं। मैं ठीक है, दिखा देता हूँ, रुको रुको, बट अभी ये लाइव के बीच में कैसे दिखाऊं? कंप्लीट कर ले, फिर मैं सारी बात बोलूंगा। ठीक है, कंप्लीट करते हैं, एंड आई विल ट्राई कि जितनी बात हो सकती है खुल के बात करेंगे, कोई वो नहीं है। फ और क वाला जो कॉन्सेप्ट था,
ये गाने में इंट्रोड्यूस हुआ कैसे, मेरे वर्स की वजह से। उसके बाद 100% उसके बाद तुमने बोला कि मैं भी एक ऐसा फ वाला करता हूँ, फिर फ और क को ना मिला के एक वीडियो में ऐसे दिखा देंगे कि लाइक वी डोंट गिव अ फक और समथिंग लाइक, कुछ भी इस तरीके की चीज एक उसको विजुअलाइजेशन में दिखा देंगे। फक हो गया ना, हाँ, वो तो वर्ड प्ले है, वो ठीक है। उसके लिए वो नहीं बोल रहा कि कुछ नेगेटिव दिखा रहे थे, वो नहीं बोल रहा मैं। एक बात हुई कि जिसके लिए वो फ और क वाला हुआ था, मेरे वर्स की यूएसपी थी, अगर मैं इनसिक्योर हूँ या आप इनसिक्योर हो तो वो इसमें शायद क्लियर हो जाना चाहिए वर्स पे। क्या जरूरत थी उसकी, मुझे सिर्फ ये क्लियर करो। तू और भी बातें हैं तेरी, और भी कुछ बातें उसकी प्रमोशंस को लेके भी कुछ बातें, वो भी बोल पहले, फिर मैं सारी बातें। अच्छा मैं आई वांट टू कंप्लीट वन पॉइंट एंड देन मूव ऑन टू द अदर पॉइंट। दिक्कत लगी है ना, मेरे को ज्यादा दिक्कत लगी है जैसे प्रमोशन पे, यू नीड द स्पॉटलाइट सो मच के यू डोंट इवन केयर अबाउट द शैडो। अच्छा this is not good, like complete complete I don't know if it is like this, but mujhe ye cheez feel hui hai, isliye mujhe bata de main kab bol sakta hu। ha mujhe bata diyo main kab bol sakta hu। ha main bata dunga, theek hai theek hai। to main ye dab wala sabse pehle complete kar dunga, uske baad jitne bhi mere points hai, kuch points maine likhe hue hain kyunki bahut lambi story ho gayi thi, bahut sari cheeze thi, to mere ko thoda please bro sab bolna hai। ये वाला हो गया। अब बात करते हैं कि गाने के क्रेडिट्स की, डैब की। डैब के क्रेडिट्स क्या है, इनिशियल प्रोग्रामर और को-कंपोजर। गाने में ऐसा क्या हुआ है 2 साल के अंदर जो गाना इतना अलग हो गया, मुझे बताओ। मेरे पास ओरिजिनल भी पड़ा है और बहुत लोगों ने ओरिजिनल भी सुना है। ठीक है पहले तू कंप्लीट कर दे, पहले कंप्लीट कर ले सारा। हाँ, ये जो को प्रोड्यूसर वाला टैग है ये कैसे आया, या तो बहुत मेहनत हुई हो गाने में, केक और क्लैप चेंज हुई आपकी तरफ से और उस तरीके की चीजें थी, जो ड्रॉप था वो भी मेरा था, सारी चीजें थी, पूरा अरेंजमेंट मेरा था, सारी चीजें थी, मैं को कंपोजर कैसे हो गया गाने का। इनिशियल प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है भाई, मुझे सारी इनिशियल प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है कि शुरुआती पूरा स्ट्रक्चर किसने बनाया। आगे आप मेरे को प्रमोट करने की बात कर रहे हो ना, अरेंज किसने किया, क्या चीज अरेंज किसने किया, दोबारा पूरा गाना प्रोड्यूस किस। अच्छा तू पहले कंप्लीट कर ले फिर मैं बोलूंगा भाई। अच्छा ठीक है। क्रेडिट की बात चल रही है तो अरेंजमेंट वाला भी पॉइंट क्लियर कर दे। नहीं सारा खत्म कर दे फिर मैं बोलूंगा, सारा ही कर रहा हूँ, डैब खत्म कर दे। मुझे भी बातों पे टिक के ही बात करनी है, घुमानी नहीं है बात, सो इसलिए मैं टू द पॉइंट ही बात कर रहा हूँ। म्यूजिक क्रेडिट्स में आप कह रहे हो कि ठीक है इनिशियल प्रोग्रामिंग क्या होती है, 10 चीजें आपने बीच में पूछ ली, बट मेरा सीधा कहना ये है कि क्या मेरे को कंपोजर का वो मिलना चाहिए, हक की लड़ाई है अगर, तो मैंने ये आजादी दे दी कि आप करो मेरे गाने के साथ कुछ भी, भाई हो यार मैंने ये चीज कर दी तो इसका मतलब मैं को-कंपोजर हो गया। ठीक है डैब वाली बात खत्म, अब अगली बात पे आते हैं। अगली बात पे नहीं नहीं पहले एक बात खत्म करेंगे। चलो ठीक है एक बात खत्म करेंगे। डन ठीक है। सबसे पहली बात, जब तू मेरे को सबसे पहली बार मिला था जी के स्टूडियो पे, जी नेटवर्क या जी न्यूज के स्टूडियो में मिला था तू मेरे को नोएडा में, तू मुझसे वहां पे मिला था, कितने तमीज से तूने मुझसे बात करी थी, तू अपने पापा के साथ था तब, तो तू बिल्कुल ऐसा था कि भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, इतने सालों से मैं आपको जानता हूँ, फिर हमारी दोस्ती हो गई, पता चला तू पड़ोस में रहता है, तू घर पे आने लग गया, मेरा स्टूडियो ही तू यूज करता था, आता था मेरे घर पे जब हम गाना करते थे, तो तेरा मैंने बोला हो कि तू अपने घर से वर्स भेज, अपने घर पे रिकॉर्ड किया था तेरे को, तेरे सामने अरेंजमेंट प्रोडक्शन करी है उसकी, तेरे सामने और तेरे मेरे को बोलने दे, तेरे स्ट्रक्चर पे जो तूने मेरे को प्रोजेक्ट दिया था जिसपे लिखा है इनिशियल प्रोग्रामिंग, क्योंकि वो इनिशियल पूरा स्ट्रक्चर तेरा है, तुझसे मंगाया इसलिए मैंने लिखा भी उसको पूरा, तूने बोला था मेरी फाइल्स मिसिंग हो गई हैं, कुछ मेरे को मिल नहीं रही है, मैंने कहा तू ड्रॉप ढूंढ ले किसी भी तरीके से, वो बहुत बढ़िया है, उस इनिशियल प्रोग्राम में सारे ड्रम के क्लैप जो भी तू कह रहा है वो सब चेंज किया, उसकी अरेंजमेंट करी मैंने, और कंपोजर और को कंपोजर का फर्क बता।